हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करना मत भूलना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज की पहली शिफ्ट का क्वेश्चंस, वो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरीके से आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के, और भी अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज उसे देखना मत भूलना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, हो सके तो एक लाइक भी कर देना वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो। तो चलिए शुरुआत से हम जान लेते हैं कि क्वेश्चंस आज कौन कौन से आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था मॉडर्न पीरियोडिक से, तो यहां पर पूछा गया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी है वो किसके आधार पर बनाई गई है, तो वो है एटॉमिक नंबर के आधार पर उसे बनाया गया है। जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, मैटर वाली लाइन में चले जाते हैं उनके अलग होते हैं, तो इसका आंसर है एटॉमिक नंबर। आपका दूसरा क्वेश्चन यहां पर आया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था साउंड की, जो साउंड होता है हमारा वो जब तेज होता है तो वो उसकी वजह क्या होती है, तो उसकी वजह होती है उसकी पिच, तो उसका पिच ही उसकी वजह होती है साउंड की, तेज होने की वजह, तीव्र होने की वजह जो होता है वो पिच होता है। आपका अगला क्वेश्चन जो था वो पौधे से था, वो था पौधे के किस भाग से बीज बनता है, तो इसका आंसर था ओवरी और ओव्यूल। इनमें से दोनों में से कोई एक भी आया होगा, आपने टिक करा होगा तो आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपका स्पाइनल कॉर्ड कितने होते हैं, तो यहां पर आपके 32 और 26 दो होते हैं, इनमें से दोनों में से कोई ऑप्शन आपने लगाया होगा तो आपका आंसर सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन जो था वो था रिप्रोडक्शंस, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जो प्लांट के प्रजनन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होता है ओव्यूल होता है। ओव्यूल को हम इस पूरी की पूरी जो इसे बुलाते हैं, हम उसे बुलाते हैं पॉलिनेशन, जो आपने अंग्रेजी में कहा होगा या पढ़ा होगा पॉलिनेशन, और ये किसकी वजह से होता है, वो होता है ओव्यूल की वजह से। आपका अगला क्वेश्चन था कि प्लांट में परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो टिश्यूज हैं आपके वो है पैरन काइमा और सैरन काइमा, तो ये दो ऑप्शंस आपने अगर लगाए होंगे तो आपके आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था अलॉय से, कि अलॉय कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था मुझे, इसलिए मैंने यही लिख दिया कि अलॉय से एक क्वेश्चन आपका बना था। आपका अगला क्वेश्चन जो आया था वो था पीरियोडिक टेबल में धातुओं को किस जगह रखा जाता है, मतलब कि मेटल को किस पोजीशन में रखा जाता है, लेफ्ट राइट या फिर ऊपर या फिर नीचे, तो आपका आंसर यहां पर लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है सारे मेटल्स को। अगला क्वेश्चन आपका जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां से बन रहे हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आपका पीरियोडिक टेबल से ही आ जाता है, फिर आपका प्लांट से आ जाता है, रिप्रोडक्शन से सारे क्वेश्चंस आपके ज्यादा करके बन रहे हैं यहां पर जीएस में, फिर आता है आपका अलॉय का, हड्डियों के क्वेश्चंस आपके बनते हैं जितने भी होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें, और आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर आया था स्टैटिक से, तो यहां पर पूछा था कि अकबर के 9 रत्न इनमें से कौन से नहीं है। अब देखो मैं आपको 9 रत्न बता दे रहा हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इसमें कि आपने वहां पर कौन सा ऑप्शन लगाया होगा। अगर इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं लगाया होगा आपने तो आपका वो वाला क्वेश्चन सही गया होगा। तो आपका पहला था बीरबल, आपका दूसरा था अबुल फजल, आपका तीसरा था यहां पर एक बार मैं देख लेता हूं टोला मल, और आपका चौथा था तानसेन, फिर था आपका अगला मानसिन था, उसके बाद था आपका अब्दुल रहीम खनाखन, उसके बाद था आपका मुल्ला दो प्याजा, अगला था आपका हकीम हुमाम, अगला था आपका फौजी। तो ये 9 रत्न थे अकबर के, अगर इनमें से आपने नहीं लगाया होगा टिक तो आपका वो क्वेश्चन सही गया होगा। तो देखिए मुझे इतने ही मिल पाए अभी तक जीएस में, लेकिन मैं अगले जो आने वाली वीडियो से उसमें आपके मैथ के भी, उसमें आपके जीके के भी और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, तो जितने मुझे मिल पाएंगे उतने लाऊंगा।
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, कि उनसे भी पूछना कि भाई तुम्हारा क्या रहा और तेरा क्या रहा। तो चलिए यहीं पर ही वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, एक लाइक इस वीडियो पर कर देना। उम्मीद रखते हैं कि 50 लाइक इस वीडियो पर हो जाए। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो देखना मत भूलना, इसी चैनल पर मैं अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।